नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ौद के पास जनपद बागपत में हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस गुफा वाले बाबा का मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है। इस हाईवे से जो भी ट्रैफिक जाता है बाबा को प्रणाम करके जरूर जाता है, और यही इसकी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी इच्छा होकर भक्त आता है वो इच्छा पूर्ण की जाती है। दरअसल ये बहुत ही सिद्ध बाबा का मंदिर है। गुफा वाला बाबा इसलिए कहा जाता था कि सदियों पूर्व यहाँ पर एक सन्यासी आए थे जो उस वक्त उस काल में यहाँ पर गुफा बनाकर रहते थे, और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। उनसे जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं, आइए मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आप इस मंदिर का दर्शन करें, क्योंकि दर्शन करने मात्र से ही कई चीज़ें पवित्र हो जाती है। ये मंदिर है गुफा वाला बाबा, और इस मंदिर में चलेंगे, अंदर जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे बाबा के बारे में जो कहानियाँ हैं और जो मान्यताएं हैं उन सब बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको भवन के दर्शन करा देता हूँ मैं। ये भवन है, यहाँ से एंट्री आप करेंगे तो सीधे जो गुफा वाले बाबा के जो पिंडी स्वरूप है जिसकी पूजा की जाती है, जहाँ पर जोत जलाई जाती है, चादर उड़ाई जाती है, वो है। और दूसरे जो माता का मंदिर है, यहाँ माता का मंदिर है, साइड में आप देखेंगे तो गणेश जी का, शिव का, पार्वती का, तमाम जो मंदिर है। हाँ, जो महत्वपूर्ण मंदिर है जिनकी मान्यता है वो गुफा वाले मंदिर की जो पिंडी है वो ये है, और यहीं पर पूजा अर्चना की जाती है। तस्वीर भी बनाई है, हालांकि ये सब बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ क्योंकि सदियों पुराना मामला है। अभी मेरी बात हो रही थी उनसे, जो सज्जन यहाँ पर बैठे थे वो बता रहे थे किस तरह से बाबा यहाँ पर आए थे और किस तरह की जो उनसे जुड़ी हुई कथाएँ हैं। फिलहाल ये इस समय यहाँ है नहीं, लेकिन उनका यही कहना था, वो एक जो पुजारी थे वो यहाँ पर आए थे, पूजा करते थे, लेकिन उस दौरान एक खूनी भैंसा था जिसका मंदिर वहाँ पर है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी आपको ले जाऊँ और वो भी स्थान भी आपको दिखाऊँ। ये अपने आप में भी एक अलग ही है कि किसी भैंसे की भी पूजा होती है, किसी भैंसे का भी मंदिर है, लेकिन भैंसे का मंदिर इसी वजह से है क्योंकि उसने मुक्ति पाई थी इन बाबा के श्राप की वजह से। ये जो बाबा की आप देख सकते हैं तस्वीर है, मूर्ति है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि तो इस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी मंदिर, छोटे छोटे मंदिर भी बन गए हैं, और लगातार यहाँ देख सकते हैं कि आश्रम है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है। यहाँ पर महाराज जी इस समय है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी थोड़ा सा बताएंगे, बैठ सकता हूँ यहाँ पर जी? पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्लूनाथ है। कल्लूनाथ जी, तो आप इस आश्रम में मतलब क्या देखते हैं? ये अच्छा काम हो रहा है जी, ये बाबा का धुना है। अच्छा, जिन गुफा वाले बाबा के मंदिर के बारे में कहा जाता है तो उनका ही धुना है जी? अच्छा अच्छा, तो ये धुना मतलब बाद में बनाया गया है कि ये पहले से यही धुना यहाँ पर है? पहले से धुना ये है, पहले से धुना ये है यहाँ से, बाबा ने तब किया था। अच्छा। यहाँ पहले बनी थी। अच्छा, पुरानी 200 साल पहले बनी थी ये, फिर यहाँ से बाबा ने तब किया था। ये समाधि है बाबा की, ये धुना 24 घंटे धुना चलता है बाबा का। धुना बनी का मतलब है कि वन था यहाँ पर, जंगल था, खांडव प्रस्थ, ये वाघ प्रस्थ, बागपत का नाम वाघ प्रस्थ, यहाँ बाघ रहते थे, मतलब जंगल था, तो उसी दौरान यहाँ पर जो है पूजा करते थे। तो उस समय का कितने से मतलब सदी पुरानी बात होगी? 200 से ऊपर हो गया होगा। तो यही उस धुन लगातार आप जलाए रखते हैं? जी जी, 24 घंटे धुना प्रचंड रहता है। 24 घंटे धुना प्रचंड रहता है। अच्छा, तो मतलब बाबा के चले जाने के बाद भी उनका जो धुनी है, जहाँ तपस्या करते थे, वो लगातार आप देखेंगे कि आग जलती रहती है जी? 24 घंटे जलती रहती है जी। अच्छा जी। अच्छा महाराज जी, क्या मानता है बाबा से जुड़ी हुई, किसके बारे में प्रसिद्ध है बाबा? गुफा वाले के नाम से, जैसे यहाँ बनी थी तो पहले उसकी गुफा थी बनी में। अच्छा। तो गुफा वाले बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए बाबा। 200 साल पहले मंदिर है, यहीं बाबा ने तब किया है। फिर यहाँ पे भैंसा था जो गांव वालों को, खेत वालों को मारता फिर था, वो बाबा ने अपनी शक्ति से पत्थर का बना दिया था। अच्छा जी, तो गुफा वाले बाबा तब यहाँ करते थे, लेकिन पत्थर का जो भैंसा है वो दूर है, 1 किलोमीटर के करीब है, मतलब घूम के जाएंगे तो मतलब काफ़ी दूर है। यहाँ शक्ति से यहाँ जा रहे थे बाबा, जैसे लोग आए। अच्छा। तो बाबा गए वहाँ से, तो बाबा ने कहा चला जा, नहीं गया, तो बाबा ने अपनी शक्ति से पत्थर का बना दिया था उनको। तो उस भैंसे की भी पूजा होती है वहाँ पर? वहाँ शक्ति है बाबा की भी। अच्छा अच्छा। लेकिन धुना जो धुनी है बाबा की, जो धाम है, जो समाधि है बाबा की, ये और ये है यहाँ।
समाधि ये जो जहाँ पर पिंडी स्वरूप है बाबा, ये जो तो ये समाधि यहीं पर ली थी? जी जी जी, वहाँ पर समाधि है, ये धुनी है, यहीं पर तपस्या करते थे। जी जी। अच्छा, गुफा थी, अभी भी है कुछ अवशेष वहाँ के गुफा के हैं? अभी भी कुछ देख सकते हैं? वो पीछे जहाँ वहाँ पर रहते थे, कुटिया है पीछे, वो पुरानी है, अभी भी है? जी पुरानी है। एक बार आएंगे आप मेरे साथ, महाराज जी से जानेंगे कि वो कुटिया ये सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन है, अगर संभव हुआ तो गुरु जी दिखाएंगे। तो वो मतलब उसी स्वरूप में है कि उसको थोड़ा बदला गया है, कैसे? उसी स्वरूप में है जी। अच्छा अच्छा, तो उसकी देख रेख की जाती है? हाँ, उसमें जैसे बाबा के उफले आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जो उफले लेके, अच्छा अच्छा, जो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ भी डलवा देते हैं। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे यहाँ 14-15 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं कि कैसे आपके यहाँ पर आगमन कैसे हुआ? यहीं पर गुरु जी थे मेरे जो, अच्छा, वो 91 साल के शरीर पूरा है उनका। अच्छा, सूरदास जी थे। अच्छा अच्छा, वो बाबा की भक्त थे। अच्छा, फिर हम जुड़ गए बाबा से। अच्छा अच्छा, तो इसी तरह से एक गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है। अच्छा, आपके भी शिष्य होंगे यहाँ पर अभी? हाँ जी, आते जाते रहते हैं शिष्य। अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, ये उसी काल की है? जी जी, ये उसी काल। खुद बाबा रहते थे यहाँ पर? जी जी, बाबा ने यहीं रहा, बाबा रहे यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, ये उसी काल की कुटी है जी जी, जो स्वयं बाबा रहते थे। ये पक्की बनाई हुई है? लेकिन ये पहले कच्ची, फिर पक्की बना देती है, लेकिन तब की बनी हुई है, पुरानी है, बनी हुई ये बनी हुई पुरानी है, ये पुरानी है। इनका कहना था कि पहले कच्ची थी लेकिन बाद में इसको पक्का बना दिया गया था। तो आप देख सकते हैं जो इसका जो डिजाइन है वो भी पुराने काल का ही है, उसी समय की। ये छत बाद में बदलवाई गई थी या? छत बाद में बदलवा दी थी, छत बदलवा दी गई, लेकिन ये जो है कालखंड उसी कालखंड की है। आप देख सकते हैं दीवारें पुरानी कच्ची कच्ची छोटी छोटी ईंट, अगर आप देख सकें तो वही उन्हीं ईंटों की बनी हुई है, और उसी तरह का पत्थर का जो आप यहाँ पर छोटी छोटी ईंट, ये तो ये सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन है। और जो मान्यता है बाबा की यही है कि पूरे गांव को जो भैंसे के आतंक से जो है मुक्ति दिलाई थी। और भी कई गुरुजी कथा प्रचलित है? यही है जी बाबा की, तो जितने हमने जाना है। अच्छा, गुरुओं से सीखा है, तपस्वी महात्मा थे बाबा, और जागृति जो था बाबा, अब तो बाबा के यहाँ पे इतवार को तो लगता ही है मेला बहुत। हाँ, इतवार को तो इतनी, अच्छा, होली दीपावली में तो किसी भागशाली के अच्छा कोई कोई वहाँ पे पहुँच सकता है, इतनी भीड़ होता है, कई कई किलोमीटर। बड़े त्योहारों पे तो यहाँ पर आपको अगर हाईवे से भी आएंगे तो वहाँ पर भी जाम रहेगा। जी जी जी, बंद हो जाता है सब हाईवे, यहाँ पे लाइन ही लाइन होती है, सब लाइन ही लाइन होती है। जी जी जी, आज हम सोमवार को इसलिए आए हैं ताकि अगर दर्शन हो सके, आराम से बैठ कर बात हो सके और दिखा सके सारी चीजें, क्योंकि उस दिन तो आपके पास भी समय नहीं रहता। कल बहुत भीड़ रहती थी। अच्छा अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये क्या बन रहा है? ये काम चला, ये बनी है, ये गैलरी बनी है। अच्छा अच्छा, ये हॉल बनाया श्रद्धालुओं के लिए, कोई भंडारे करे। ये सरकार की तरफ से भी कुछ मत आता है कि ये गांव वाले नहीं, यहाँ से गुरु जी है जो बैठे हुए हैं वहीं। अच्छा, गए हैं। अच्छा, कमेटी वाले हैं। अच्छा, मंदिर के उससे जी जी ट्रस्ट बना दिया है। जी जी, अब ट्रस्ट बन गया है, उनके उससे ही जो है अब विकास कार्य कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी गुफा वाले बाबा की। अच्छा, ज्यादा विकास हो रहा है मंदिर में। गाय भी है कुछ? नहीं, गाय नहीं है जी। अच्छा, गाय नहीं, इधर भंडारा होते हैं। अच्छा, भंडारा का मतलब जो कौन लोग आते हैं यहाँ पर खाने पीने? श्रद्धालु आते हैं कि हमें भंडारा करना है। अच्छा अच्छा, तो उन्हें सब सामान दिया जाता है यहीं से। अच्छा, भगवान ने अच्छा अपना सामान लेके आते हैं, बनाओ और अपना यहाँ वितरण करो, बाहर सड़क पर नहीं, अंदर भी करो, बाहर करो जी। होली दीपावली बाहर ही होता है। तो मंदिर के विकास कार्य की जो बताइए गुरु जी ने कि भंडारा लगातार होता है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो आकर अपना भंडारा कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है और बाबा से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये हमन कुंड है बाबा का। अच्छा, यह हमन होता था। अच्छा, ये पुराना है ये? अच्छा, ये भी हमन कुंड पुराना है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ हमन करते थे और वो धुना है बाबा का। अच्छा अच्छा, तो ये यज्ञ का जो स्थान है? जी जी, यज्ञ स्थान ये है पर है, हालांकि अब इसको पक्का बना दिया है। जी जी, पक्का बना दिया जी। और वो जो जहाँ पर धुना गुरुजी खुद बैठे थे वो मैं दिखाई चुका हूँ आपको, और ये यज्ञ है और ये खुद वहाँ पर जो है जो बाबा रहते थे उसी कालखंड की जो है निशानियाँ बाबा से जुड़ी हुई है। और अपने आप में जो मानता है वो मानता यही है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, जो भी आप लोग अगर चाहते हैं कि इसी तरह की खबरें आपके साथ मैं शेयर किया करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने यहाँ की भी अगर इसी तरह की कुछ यूनिक और स्पेशल इसी तरह की कुछ मान्यताएं हैं, खास बातें हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए।